मैं कृतिका वीचो विस्तास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म जगत के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें आलिया भट्ट एक अनोखे किरदार में नजर आएगी। साथ ही उनकी प्रोडक्शन टीम का कहना है गंगूबाई काठियावाड़ी उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निमरत कौर की फिल्म दसवीं की शूटिंग शुरू हो गई है। मेकर्स ने तीनों के फर्स्ट लुक को शेयर किया। इस फिल्म को तुषार जलोटा ने निर्देशित किया है। बिपाशा बसु अपने पति करण सिंह ग्रोवर के साथ इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रही है। करण के बर्थडे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बिपाशा ने इस हॉलीडे की काफी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे उनके फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैंस उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में रणबीर कपूर की माँ और बहन को मनीष मल्होत्रा के ऑफिस के बाहर देखा गया, जिसके चलते अफवाहों का बाजार तेज हो गया। फिर एक बार इन दोनों की शादी का मुद्दा गॉसिप्स बन गया है। सूरज पंचोली की फिल्म टाइम टू डांस 12 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस फिल्म में सूरज के साथ कैटरीना की बहन इसाबेल नजर आएगी। इसाबेल की ये डेब्यू फिल्म है। सूरज पंचोली ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर को शेयर किया है। बॉलीवुड के कबीर सिंह शाहिद कपूर का आज जन्मदिन है। शाहिद 40 साल के हो गए हैं। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया से कन्नड़ अभिनेत्री प्रनीता बॉलीवुड में डेब्यू करेगी। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास बातें। ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए वीचो विस्तास। नमस्कार।